तो हमारी आज की वीडियो होने वाली है पोकेमॉन होराइजन एपिसोड 37 पर। जैसे कि आप लोगों को पता है एपिसोड 36 जो था वो काफी अच्छा था, लेकिन एपिसोड 37 जो है वो कुछ स्पेशल होने वाला है। हमें इस एपिसोड के स्टार्ट में देखने को मिलता है कि रॉय और लिक्विड जो थे वो काफी टफ ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन साइट देखने को मिलती है, एक मिस्टीरियस केव देखने को मिलती है जिसमें कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और वो उन फॉसिल्स को और एंशियंट पोकेमॉन्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे हीरोज जो होते हैं वो वहां पर रुकवेजा की तलाश में जाते हैं, जहां पर उनको कुछ क्रोक्रॉक और क्रोकोडाइल जो है वो देखने को मिलता है। यहां पर हमें चार क्रोक्रॉक देखने को मिले और एक क्रोकोडाइल देखने को मिला है जो कि हमें प्रीव्यू में देखने को मिले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर फिर लिक्विड रॉय ये सभी जो हैं ये इन पोकेमॉन्स के साथ मिलकर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो ये एपिसोड जो है काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हमें रॉय और जो क्रोकरॉक है इनके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर हमें रॉय और इन क्रोकरॉक के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलने वाली है। अब मैक्सिमम लोगों का तो मानना यह है कि इस एपिसोड में रॉय जो होगा वो क्रोकरॉक या क्रोकोडाइल इन दोनों में से किसी एक को जरूर कैच करेगा, ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन इसके रिलेटेड कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वाकई ही रॉय जो है वो इस एपिसोड 37 में अपना नेक्स्ट पोकेमॉन कैच करने वाला है या फिर नहीं। लेकिन अगर हम बाकी एपिसोड्स के टाइटल को देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ एपिसोड और भी हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं, उनके टाइटल जो हमें रिवील हुए हैं जिनमें हमें स्पेशल लिक्विड के साथ भी एक पोकेमॉन देखने को मिला, रॉय के साथ भी देखने को मिला और जो हमारी डॉट है उसके साथ भी देखने को मिला है। तो अगर इस चीज को देखें तो इससे तो यही शो हो रहा है कि पोकेमॉन होराइजन में जो हमारे ये हीरोज हैं वो अपना नेक्स्ट पोकेमॉन कैच करने वाले हैं। लेकिन अभी तक इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या वाकई ही रॉय जो है वो इस एपिसोड में अपना थर्ड पोकेमॉन कैच कर पाएगा या फिर नहीं। वैसे अगर आप बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पर रॉय जो है वो इन क्रोकरॉक और क्रोकोडाइल के साथ काफी फ्रेंडली है और यहाँ पर इनके जो बॉन्डिंग है वो ऑलरेडी काफी अच्छी हो गई है। तो मुझे फील हो रहा है कि इस एपिसोड में पॉसिबली रॉय जो होगा वो अपना थर्ड पोकेमॉन कैच कर लेगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था इस एपिसोड का स्पेशल प्रीव्यू। तो अब बात करते हैं इसकी रिलीज डेट की। तो ये जो हमारा एपिसोड है ये रिलीज होने वाला है 26 जनवरी को, हमें नेक्स्ट फ्राइडे ये एपिसोड जो है वो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि इस एपिसोड में रॉय जो है वो क्रोकरॉक या क्रोकोडाइल को कैच कर पाएगा या फिर नहीं, तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अगर कोई एश के रिलेटेड रूमर्स या कोई भी लीक आपको पता है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।